हैं, हमें जी आया फिर से, हमें जी आप ही आई हैं जी मनीष मैम। जी, क्या हुआ हमें जी, आपने नाम चेंज कर लिया, ये क्या हुआ? ये मेरा असल नाम है, आसिफ अली मोगेरी बलोच। अच्छा, आप अब अपने असली नाम से आ रहे हो, वाह वाह वाह, डर नहीं लगता आपको? नहीं डर, इधर किसी को पता ही नहीं है थियेज़म क्या है, क्रिस्टन क्या है। किसको नहीं पता, सबको पता है एथियज्म क्या है, क्रिश्चियनिटी क्या है, क्या मतलब है? आपको डर नहीं लगता? आपके खुद के मोमिन जो हैं आपके पीछे पड़ सकते हैं, पता है ना, नहीं आप मैं मुल्हिदों में मतलब आती एथियसम की हो। तारीफ नहीं करता हूं। तारीफ आप करो या ना करो, आप सिर्फ यहाँ आते हो ना, यही काफी है, मैं बता रही हूँ आपको, लिख लेना मेरी बात को। आपके ना भाइयों ने एक दिन आपको पकड़ा, क्या वहां क्यों बैठते हो महलीज के पास, उसकी लाइन देखने जाते हो, क्या देखने जाते हो महलीज के पास? जी, नहीं मतलब आज आपने क्या मौलवियों का बात खत करनी है? खत मैं कह रहा हूँ कि मौलवी पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है, जो लिबरल्स फेमिनिस्ट हो ना वो खतरे में है मतलब पाकिस्तान के। अरे हमिद साहब यानी आसिफ जी, मुझे तो लगता है आप यहाँ पे मजाक खेलने आते हो, जो आपकी बातें होती हैं मजाक करने आते हो। मौलवी खतरा नहीं है, नहीं मजाक फेमिनिज्म नहीं, खतरा है आपको, औरतों से आपको क्या खतरा है? आप एक औरत जो इतनी मजबूर और इतनी कमजोर आपसे, उससे आपको क्या खतरा है? वो क्या उखाड़ लेगी आप लोगों का, बताइए। नहीं औरत कमजोर नहीं है, मतलब जो फेमिनिस्ट औरत है ना तो जी, तो वो अलग आप है, औरत जो कमजोर नहीं पाकिस्तानी हो? है ना कमजोर नहीं। बोले, आपकी आवाज कट गई थी, बोलिए प्लीज। नहीं, कमजोर नहीं है मतलब वो मर्द से थोड़े से हाय, मतलब उनका दिमाग सही मतलब मर्द से थोड़ा कम है लेकिन है बराबर। मैं ये नहीं कह रहा कि औरत से मर्द ज्यादा मतलब अच्छी। हमिद जी, आपका तो इंटरनेट ही नहीं, अल्लाह मियाँ सही करता है भाई, आपका इंटरनेट ही नहीं सही करता। आप अपने मौलवियों को पैसा देने के बजाय अगर कोई मुहिम चलाए ना अच्छे इंटरनेट की, तो शायद वो आपके ज्यादा काम आ जाए। यानी आपको एक औरत से पहले, आप कहते हैं वॉइस औरत नहीं आ रहा कमजोर मेरा, है, बहुत कट कट के आती है आपकी आवाज, आधी बात समझ में आती है आधी बात समझ नहीं आती। अभी आप देखना, मैंने आपको एक वीडियो डालना है, उसमें देखा नहीं आपने, आधी आवाज आ रही है आधी आवाज नहीं आ रही आपकी, समझ में नहीं आता तो कुछ। उस वीडियो में मैं बोल रहा था जी, जी बोले, अभी आ रहे। जी आ रही है, उस वीडियो बोलिए। में मैं यही कह रहा था कि एथियज्म में आप खुद बोलते हो कि हमारा फ्री सोच है, मतलब फ्री सोच कुछ भी कर सकते हो आप कुछ भी, क्योंकि आपको दोजख का डर नहीं है, आपको हर चीज का डर नहीं है, तो समझ सकते हो आप कि आप क्या क्या कर सकते हो एथियज्म में। देखिए भाई, अभी आ रहा है वॉइस एथियज्म जो है ना, हाँ आवाज आ रही है। देखिए, एथियज्म का मतलब ये जी। भी है कि आप रैशनल माइंड से सोचो, कुछ भी करने में, तो भाई मैं किसी का कत्ल भी कर सकती हूँ जाकर, है ना, कुछ भी कर लो, नहीं वही तो इस्लाम चीज है में एथियज्म में। देखिए देखिए, एक सेकेंड एक सेकेंड, हमारी रैशनैलिटी में यही तो चीज है कि हमको ये खौफ नहीं है कि हम गलत काम इस वजह से नहीं करते हैं कि भाई अल्लाह ही हमको सजा देगा, हम इस वजह से नहीं कहते हैं क्योंकि हमको पता है कि वो गलत काम है, समझ में आई ना आपको? अब आपके लिए एक चीज गलत काम हो सकती है जो मेरे लिए नहीं है, आपके लिए मेरी आजादी गलत काम है, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए वो अच्छा काम है कि मुझे आजादी मिलेगी, औरतों को आजादी मिलेगी। आपकी सोच में आप लोग गलत काम इस वजह से नहीं करते क्योंकि आप लोगों को लालच है, आप लोगों को जन्नत की लालच है, आपको अल्लाह का डर है। तो ये आप लोगों के आर्ग्यूमेंट्स स्टूपिड हैं। आपने उस दिन भी मुझे एक नाम नहीं बताया जो क्या कहते हैं, जिसने अपनी बहन के साथ सोया हो, आपने रिचर्ड डॉकिंस का नाम ले लिया, पॉस्टर प्रॉफिट का नाम ले लिया, आपने मुझे एक नाम नहीं बताया। हालांकि मैं अभी खोलूँ ना अभी यहाँ पे इंटरनेट, तो आपको मैं कितने मुसलमान दिखा दूँ जो अपने घर में औरतों के साथ जिना करते हैं, ठीक है ना? तो वो हमारी उनका एथियज्म में मसला जब है। आप नहीं आके बात करते हो ना, हम सोचते हैं दिमाग से। जो पाकिस्तान में होगा या मुसलमान तो वो उनका मसला है, मैं अगर मैं किसी पाकिस्तान भी के चीज को पर्सनल माफी, प्रॉब्लम। अगर
जी भाई आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स जो है ना, आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स अपने घर तक रखें, क्योंकि पाकिस्तान में हर कोई आपकी तरह नहीं सोचता है आसिफ जी। पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह रहने चाहते हैं, ठीक है ना, लिबरल, अपनी जिंदगी जी। आप लोगों की वजह से वो लोग अपनी लाइफ नहीं जी सकते, क्योंकि आप लोगों ने उनको ऊपर जो है जबरदस्ती कर दी है। भाई आपने जो करना है आप करो, दूसरों को दूसरी की लाइफ जीने दो। तो पाकिस्तान इसी नहीं वजह से मैं आपसे कहूंगी कोई तरक्की वरक्की नहीं करेगा। अगर आप लोग मुल्लाओं के साथ ही घुसे रहोगे ना, तो आप लोगों की कोई तरक्की नहीं होनी। पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं कर रहा है कि पाकिस्तान में कोई लॉ ऑर्डर नहीं है, मतलब किसी का कानून ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। भाई या तो शरिया लॉ रख लो या वेस्टर्न डेमोक्रेसी रख लो, एक तो रख लो, हम एक भी नहीं रख पा रहे हैं। तो यही हाल होगा ना, प्रॉब्लम यही तो बीच है में कि अटके नहीं, रहोगे ना आप प्रॉब्लम लोग। यही है, आपका शरिया डेमोक्रेसी के साथ चल नहीं सकता ना। प्रॉब्लम ही यही है कि क्यों क्यों नहीं शरिया, चल वहां पे सकता? डेमोक्रेसी और शरिया दोनों चलाने की कोशिश कर रहे हो, और दोनों ही नहीं चल रहे हैं आपके, क्योंकि आप दोनों चला ही नहीं सकते एक साथ। दोनों एक दूसरे के, आप सेक्युलर मैं कंट्री बन वही ही नहीं कह रहा सकते हो हूं, जब तक आप, हाँ नहीं फ्री स्पीच सेकुलर ये सब बकवास है। आप लोग देखो हिपोक्रेसी वेस्टर्न कंट्री की कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कार्टून्स बनाते हैं, लेकिन यहूदियों के जो जेनोसाइड हुआ था होलीकॉस्ट उस पे कभी बात नहीं करेंगे। ये क्या है, मतलब ये मुनाफिकत है ना, इस पे क्या आप लोग कहना ना, चाहोगे आप आप? लोगों के मौलवियों ने, सुने आप लोगों के मौलवियों ने आप लोगों को दो तीन आर्ग्यूमेंट दे दिए हैं। भाई एथियस अपने माँ बहन के साथ सोते हैं, हॉलोकॉस्ट पे बात नहीं करते। कौन नहीं करता है हॉलोकॉस्ट में, सिवाय चंद मुल्कों में, यूरोप के अलावा लोग बात करते हैं। समझ में आई ना, यहाँ पर चंद ऐसे भी लोग बैठे हैं जो हॉलोकॉस्ट को डिनाई भी करते हैं। नहीं ये कौन हम सी, डिनाई मतलब नहीं करते। नहीं ये कौन सी नहीं फ्री नहीं आप स्पीच? सुनो, सेकंड सेकंड, ये फ्री स्पीच चंद जगहों पे है ना, क्योंकि वो चीज हुई, क्योंकि वो बहुत बुरा हुआ लोगों के साथ, इस वजह से उस पर बात नहीं करते। अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों के साथ कौन सा ऐसा बुरा वाकया हुआ है जहां पर आप लोगों की जेनेसाइड हुई होगी? बताइए जरा, कौन सी जेनेसाइड हुई आपकी? अगर कुछ सबसे आपके बुरा मामले है में जो मतलब जेनेसाइड प्रो, हुई थी, प्रो नहीं प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आपने बात किया, समझो आपने पूरे मुसलमान मुसलमान की उम्मा को मार डाला। हमारे लिए मौत कुछ नहीं है, हमारे लिए प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका अल्लाह पाक सबसे मतलब हाँ तो अजीज है, ये बात आपके आप लिए ही है ना, जानते हो। आपके लिए, आपने अभी खुद ही बोला हमारे लिए, वो आपके लिए है। दुनिया आप लोगों के जब तक ये दिमाग में नहीं आएगी ना कि दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी, और जितना आप इस पे शोर मचाओगे ना, उतना आप लोगों को ये बता रहे हो कि ये हमारी वीकनेस है, इस दुखती रग पे ना, और तुम वो करो। अगर आप लोग रिएक्ट नहीं करो ना, तो लोग बात भी ना करें इस पे, छोड़ के बैठ जाए आराम से। आप लोग रिएक्ट करना, आप लोग रिएक्ट करते हो, इस वजह से लोग और करते हैं। लोगों ने छोड़ना है इस्लाम, छोड़ने दो, उनकी मर्जी भाई, उन्होंने दोजख में जाना है ना, आपको क्या? आप तो जन्नत में जाओगे ना, आपको उससे क्या कि वो दोजख में जाए कि नहीं जाए। ठीक है, आप लोग पहले अपने आप को फिक्स करो। आपके खुद के मुसलमानों में कितने फिरके हैं ये बताइए। आप खुद यहाँ देखते हैं कितने मुसलमान आते हैं जो आपसे अग्री नहीं कर रहे होते हैं। आप लोगों के खुद के नहीं अंदर वो इत्तेफाक नहीं है, और आप फिर हमसे कहते हो कि हमारी बात मान लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन कर लो। फिर आप बैठ के, आपके मौलवी बैठ के वहां पर हिंदुओं को, यहूदियों को और क्रिश्चियन को, सबको गालियां दे रहे होते हो। आपके कुरान में खुद गालियां लिखी हैं भाई यहूदियों के लिए, काफिरों के लिए। फिर आप कहते हो हम पे बात नहीं करो, हम सबको गाली देंगे मगर आप हमसे नहीं बोलोगे। इसे कहते हैं बुलिंग करना किसी को। अब आप जब बुली करोगे ना किसी को, दूसरी तरफ से आएगा रिएक्शन, और फिर ज्यादा करेंगे। अब आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ आसिफ अली जी, मुझे वो चुतिया जो है जो बैठा हुआ था वहां पे, फेक रसूल, वो हरास कर रहा था कितने महीनों से, कितने महीनों से मुझे हरास कर रहा था। आखिर में जब मेरी बस हो गई तो मैंने क्या कहा, ठीक है अब मैं तुम्हारी दुखती रख पे हाथ रखती हूँ, तुम मेरी बेटी पे आओगे, मैं तुम्हारे मोहम्मद पे नहीं जाऊंगी, मैं बैठ कर मोहम्मद को गालियां दी, आई एम बंद सॉरी, करके मैं बैठ तो गया आपके लिए। मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। आप खुद चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आए, आप उसको ब्लॉक क्यों नहीं कर देते मैम? मैंने इस उसको जो भी कितने है महीने रसूल हो गए हो, ब्लॉक कर दिया है उसको, वो डिफरेंट डिफरेंट आईडीज लेकर आया था, कब देखा था आपने लास्ट उसको मेरे चैनल पे? देखिए आसिफ अली जी, वहां पर आपके ही मुसलमान लोग बैठ के उसको बढ़ावा दे रहे हैं, मैं नहीं दे रही हूँ। आपके नहीं वो मुसलमान मुसलमान भाई नहीं बैठे है होते हैं वहां पर, कोई मैम काफिर नहीं मैम। बैठा होता है, तो पहले आप मुसलमान अपने आप नहीं को ठीक करो ना। नहीं हम सबको मुसलमान मानता हूँ मैं, शिया सुन्नी देवबंदी वहाबी,
लेकिन मैं मानता नहीं हूँ अहमदिया को, कायदियानी, मैं उसको मुसलमान नहीं मानता। जो भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नऊज़ बिल्लाह दावा करे कि मैं प्रॉफिट हूँ, हम उसको मुसलमान नहीं मानते हैं। जो भी हो, जो भी दुनिया में, चाहे वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मौलवी हो, स्कॉलर हो, हम उस पर यकीन नहीं करते हैं। क्योंकि तो वो जो भी आपका प्रोफेट मोहम्मद मानना सल्लल्लाहु है अलैहि ना, वसल्लम अरे का वो जी, आपका तो अभी मानना है ना। आपके आपके आप देखिए, आप कहते हैं कि मैं किसी के हिसाब से नहीं चलूंगा, मगर आप चाहते हो कि सब लोग आपके हिसाब से चले, पूरी दुनिया आपके हिसाब से चले। और ये आप कह रहे हो ना नहीं, कि आप हम नहीं शिया चाहते को ही हैं। मानते हो, ये हो वो। आपके कितने सारे मुसलमान हैं जो एक सेक्ट से दूसरे सेक्ट को नहीं मानते हैं। अहमदियों को तो छोड़ दो, शियाओं पे पहले अहमदियों के पीछे पड़े हुए थे आप पाकिस्तान में, शियाओं के पीछे पड़े हुए हैं, किसी ना किसी के पीछे पड़े ही नहीं रहते हो आप शिया लोग। नहीं मैम, हम किसी को नहीं मानते। जो सूर्य बकरा की एक आयत है 103, उसमें लिखा है कि आप खुदा की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और फिरकों में मत बांटो। हम जो भी शियाओं को मारते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये ISIS वाले, आपको ये जानना पड़ेगा कि हम लोग उससे एक्टर बोलते हैं, हम उसको मुसलमान नहीं बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं खारजी, आपके जो बोलने से क्या हो स्पॉन्सर होते जाता है? आप हैं। बार बार ये बोल रहे हो, आप बार बार ये बोल रहे हो, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। आपके खुद के जो ख्याल आते हैं ना, उससे काफी सारे मुसलमान लोग अग्री नहीं करेंगे। और चले आपके ख्याल आते हैं ना, चलो ठीक है आपके ख्याल आते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। आप हमारे ख्याल को क्रिटिसाइज करो, मगर आप ये नहीं कह सकते कि हम इस पे बोलना बंद कर दें। हम क्यों बोलना बंद कर दें जब सबसे ज्यादा आप लोग बोल रहे हो? आपको पता है कि जब पहले तो मोहम्मद जी पे कोई बोलता भी नहीं था, मगर आप लोग वाहिद लोग थे जो बैठ के हिंदुओं पे भी बोलते थे, यहूदियों पे भी बोल रहे थे, क्रिश्चियन से भी बोल रहे थे, सब पे बोल रहे थे। आप लोगों को सब पे बोलने की इजाजत है, आप सब लोगों की बेहुरमती करो, मगर जहां आप लोगों को कुछ बोलते तो आप लोग फौरन आए खड़े होते, हमारे पे क्यों बोला भाई? आप नहीं देखो हमने पूरी दुनिया में, आप मुझे बताइए क्या पूरी दुनिया मोहम्मद जी पे बिलीव करती है? वो नहीं करे, जो एक मतलब आयत है कि आप एथिज्म, उसको जो जो भी एथिज्म है वो दिखाता है सूरह तोबा की 29 जो आयत है, वो एक खास जगह पे है जिसको बोल दिया गया कि जो अल्लाह और उसके रसूल पे ईमान नहीं रखता, अहले किताब वाले, जो जो पहले किताब आए थे उनको यकीन नहीं करते थे, वो सारे मतलब जो भी अल्लाह को नहीं मानता वो क्रिश्चियन और यहूदियों के लिए आज के टाइम पे वो नहीं था। आप इसको सही से पढ़ो ना, ये गुमराह करती है चीज, हम लोग क्या कर सकते कोई हैं गुमराह मतलब। नहीं करती है, नहीं, कोई गुमराह नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है, मेरे दिमाग में यह है कि अगर कोई भी जानदार चीज है उसको मैं मरता देखती हूँ तो मेरा दिल दुखता है, क्योंकि मेरे अंदर इंसानियत है। आप लोगों का नहीं दुखता, आप औरत को नहीं मारो, कुत्ते आप को मारो, किसी को भी मारो, आपका दिल नहीं दुखता। तो आपका खुदा रहमत आलमीन कैसे हो गया? आप मुझे ये बताएं, नहीं रहमत आपने वाला कौन होता है जो रहमत फरमाए, जो माफ कर दे? आपका खुदा तो खुद लड़ रहा है कुरान में, तुमने मेरे को नहीं मारा, तुम मुझ पे यकीन नहीं लाते हो, तुम खंजीर हो, तुम मुझ पे यकीन नहीं लाते, तुम हरामजादे हो, तुम कुत्ते हो, और मैं अपने छोटे से इंसान को भेजूंगा अपने आप को प्रोटेक्ट करवाने के लिए। यार क्या बात कर रहे हो आप लोगों के अंदर इंसानियत नहीं नहीं कहाँ है, अभी कहाँ है इंसानियत? अभी जी, तो अभी आपने मतलब कुत्ते के बारे में बोला। सही, अल बुखारी में एक हदीस है ट्रेवी ट्रेट, आप सर्च कर सकते हो कि सही बुखारी या सही मुस्लिम में होगा, ट्रेवी ट्रेट है उसमें कि एक आदमी कुत्ते को पानी दे रहा था, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एपिशेट किया और बोला कि आप सारे वाह, जानवर को ऐसे हिफाजत करो। तो आप बोलते हो कि मतलब हम कुत्ते से नफरत करते हैं, ये भी एक हाँ, झूठ और है। बाद में नहीं किया कि वो चीज हराम है भाई। वही बात यही हो गई है कि आपके कुरान में कॉन्ट्रोडिक्शंस लिखी हैं। एक तरफ कहते हैं औरत के पैर के नीचे जमीन क्या कहते हैं जन्नत है, और कहते हैं कि अपनी बीवी को मारो। लेकिन मेरी तो समझ में नहीं आता, इतनी कॉन्ट्रोडिक्शंस हैं आपके कुरान में खुद ही। अगर कुत्ते को पानी पिलाना ठीक था तो कुत्ते को हराम क्यों करार दे दिया फिर आपने, मतलब बताइए। आप उस तरह की बात करते हो मैम, जो मुसलमान भी क्लेम करते हैं कि आप हाँ एथिज्म से एनीवेज, सब मैं जरा बात आगे बढ़ती करोगे। हूँ, थैंक यू। आप हमेशा आते हो, मैं आपको हमेशा लेती हूँ, मैं आगे बढ़ती हूँ थोड़ा सा आज, बाद में फिर इसकी जी जी बात मैम, करेंगे। जी, जी बोले। देखिए एथियज्म कोई ना, उसका कोई रिलीजन नहीं है। एथियज्म जो है कोई एक वो चीज नहीं है। एथियस्ट बहुत सारी डिफरेंट चीजें फॉलो कर सकते हैं,
और हम किसी पे थोपते नहीं है, हाय आपने रिचर्ड डॉकिंस पे नहीं मानते, हाय तुम्हारा सर कलम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है।